और बैकवर्ड और बैक प्रोपोगेशन की तरफ हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था और उसको हम आज न्यूमेरिकल वे में आपको सॉल्व करेंगे जिससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी और आज के बाद आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है वो सारी आइडिया जो है आपको आज हो जाएगा जी। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो कोई मुझे थोड़ा सा ये बता देगा कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है? जी इसका मतलब मेरा इतना खपने का फायदा कोई है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इम्प्लीमेंटेड आर्टिफिशियली, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इम्प्लीमेंटेड आर्टिफिशियली, ठीक है। और मुझे इसमें बताएगा इसमें होता क्या है वैसे जनरल? सर इसमें जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं तो ये भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है कि जिस तरह आपने एग्जांपल दी थी कि अगर हम किसी गर्म बर्तन पे हाथ रखते हैं तो वो हमारे न्यूरॉन्स को हमारे दिमाग को ये सेंस होती है कि इस पे मैंने कौन सा एक्शन लेना। तो इसमें भी इसी तरह से होता है। कंप्यूटेशन में हम लोग इनपुट की बेस पे ट्रेनिंग्स और उसकी बेस पे सेंस करता है कि इस पर्टिकुलर इनपुट पे मैंने क्या एक्शन लेना। जी ठीक है, और कोई? जी सर इसमें हम एरर रेट को ना बैक करते हैं थ्रू वो बैक प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं आप, मैं सिंपल एरर की बात जी जी अच्छा अच्छा ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं जी। आज मैं एक यहाँ पे एक नई स्लाइड क्रिएट करता हूँ और उसमें जी तो हम स्टार्ट से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का कि न्यूरॉन्स को जो ट्रेनिंग देनी है वो आर्टिफिशियली न्यूरॉन्स को ट्रेनिंग हो। क्या होता है न्यूरॉन्स, मैंने आपको बायोलॉजिकली इसकी सारी हिस्ट्री बताई थी, आपने किसी ने कोई डिस्कस नहीं की, पढ़ा ही नहीं इसको। कि लेट से आप हाथों में सेंसर लगे हुए हैं और हाथों के ये सेंसर लेट से कोई गर्म या ठंडा आप उसको सेंस करते हैं तो वो न्यूरॉन्स को आगे सिग्नल पास करते हैं और न्यूरॉन्स से आगे फिर वो इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आप हाथ पीछे कर लें या आगे कर लें। तो इसी तरह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स भी इसी तरह वर्क करता है कि उसमें न्यूरॉन्स होते हैं और उसमें आगे जाके वो आर्टिफिशियली वर्क करते हैं। तो इसमें इसके हम इसको आज हम न्यूमेरिकली और प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके थीसिस के रिलेटेड और आपको मैं बड़ा इसको स्टार्टिंग लेवल से कराऊंगा और एक एक चीज करवाऊंगा, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने इसका कंसेप्ट लिया था और आज हम इसको न्यूमेरिकली करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे ये है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली होता क्या है। तो इसको जी इसको ऐसे ऐसे करते हैं कि हमारा मैं आपको ड्रा कर रहा हूं, ये आपका इसका नोड्स होते हैं, इनपुट नोड्स कह ले, और ये हमारा एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है, ये इसको इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं। मेरे साथ साथ रहिएगा, जहां पे समझ रहा है मुझे बताइएगा। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का बेसिक फिनोमिना समझ रहे हैं और से फिर आगे फीड फॉरवर्ड फीड बैकवर्ड
और फिर बैक प्रोपगेशन की तरफ स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास तीन नोड है, इसको ये एक्स वन एक्स टू और एक्स एन, एन नोड्स हैं हमारे पास, तीन नहीं है एन नोड्स हैं। और ये क्या है कि ये सारे के सारे इनपुट दे रहे हैं और ये हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन फंक्शन है। और ये क्या है, इनके वेट है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये नोड है और एवरी नोड का आपने एक्टिवेशन फंक्शन निकालना है, तो आगे जाके भी हम फीड फॉरवर्ड और फीड बैकवर्ड और बैक प्रोपोगेशन में भी ये एक्टिवेशन फंक्शन निकालेंगे हर एक का। होता क्या है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, कुछ आपकी इनपुट लेयर होती है, कुछ आउटपुट लेयर होती है, कुछ हिडन लेयर होती है, तो उन सब के हमने वेट्स कैलकुलेट करने होते हैं वेट और बायस फंक्शन के हिसाब से। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इनके एक्टिवेशन फंक्शन कैलकुलेट करना है x1 का x2 का x3 का या इन सब का, तो क्या आप कर पाएंगे? इसका फार्मूला मैं सिंपली आपको बताता हूं, एक्टिवेशन फंक्शन y इज इक्वल टू समेशन x ऑफ i एंड w ऑफ i, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। जैन क्लियर हुई बात? सही है सर। बात सुनो, ये हमारे पास तीन नोड है, x1 x2 x3, और वेट है इनका x1 का w1 w2 और wn और xn, ठीक है। अगर इन सब का एक एक का एक्टिवेशन नंबर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, x1 और w1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्टिवेशन नंबर आ जाएगा। बात क्लियर? यस सर। जी सर सही, ये मल्टीप्लाई है, डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर आपको आपको कहा जाए कि एक्टिवेशन फंक्शन आपने निकालना है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में x1 का, तो x1 का एक्टिवेशन, लेट्स से x1 के जो नोड की वैल्यू है 1 है, जो कि अभी हम आगे जाके डिस्कस कर रहे हैं, और वेट है 0.2, तो आप इसका y का फंक्शन आराम से निकाल नहीं पाएंगे। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 1.2 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर सर, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कौन से आ गया सर? जो भी आ जाएगा, जो भी 1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 है, 0.2 लिखा है। जी जी सर, ठीक है सर, ठीक है, जो भी मल्टीप्लीकेशन के बाद रिजल्ट आए, ठीक है, मींस फार्मूला ये है, इन आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया सर, गॉट इट। ठीक है, आगे चल के अगर हम आपने इन सब का एक्टिवेशन फंक्शन निकालना है एक, तो कैसे करेंगे आप, x ऑफ i w 1, यानी कि x ऑफ 1 w 1 प्लस x ऑफ r x ऑफ 2 w 2 प्लस x ऑफ n x ऑफ 3 w 3 so on x of n w n means जितने भी एक्टिवेशन फंक्शन है उसको प्लस करके आपकी एवरेज नहीं निकल आती जैसे, तो आपका ये y फंक्शन, आपका जो एक्टिवेशन फंक्शन रिगार्डिंग एवरी नोड, यू कैन इजीली कैलकुलेट द रिगार्डिंग एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ एवरी नोड। सो ये बेसिक फिनोमिना है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का, कि आपने एक्टिवेशन फंक्शन क्या है और एक्टिवेशन फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे एक्टिवेशन फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। यहां तक क्लियर हुई बात?
किसी को कोई एम्बिग्विटी है दोबारा पूछ सकता है। सही है, लास्ट पे जो आपने किया ये टोटल नोड्स को हमने लेके देखा। हाँ जी, टोटल टोटल नोड्स को, मतलब ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये तीनों का इकट्ठा निकालना हो तो ये वाई फंक्शन। ठीक है सर। बात तो वही है, अकेले अकेले का निकाल लें या इकट्ठा निकाल लें। सही है सर। ठीक है जी, ये है अपना बेसिक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसका बेसिक फार्मूला है, इसको इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। आगे जाके हमने बैक प्रोपोगेशन, जो कि लास्ट हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, आज हम उनको न्यूमेरिकली करने जा रहे हैं वैल्यूज के थ्रू, जो हम जो आपके पेपर्स में जाके एरर कैलकुलेट करते हैं वो कैसे ट्रेनिंग करता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, उस सारी ट्रेनिंग हम देखने जा रहे हैं आज। क्लियर जी जैन? जी सर। जी जैन, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। No, sir. अच्छा जी, ठीक है। एक बात क्लियर होगी कि हमने अभी आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का जो बेसिक आपको बताया कि एक्टिवेशन फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, उसका फार्मूला क्या है। और नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं एक्टिवेशन फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक्टिवेशन फंक्शन की। एक्टिवेशन फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नंबर वन है हमारे पास लीनियर फंक्शन, नंबर टू है हेजिसाइट फंक्शन, नंबर थ्री है सिग्मोइड। तो ये फंक्शंस हैं तीनों। अब लेट डिस्कस करते हैं हम वन बाय वन फार्मूलाज इनके। सबसे पहले हमारे पास लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन बेसिक, बिल्कुल लीनियर फंक्शन है, जिसमें अगर हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है सिग्मोइड की अपना या वाई फंक्शन की, तो उसमें हमारे पास बेसिक फैक्टर होता है ए प्लस वी। सो ये बेसिक फैक्टर है, ए इसका बेसिक फैक्टर है, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं और बेसिक वैल्यू भी कहते हैं, वो हर नोड के हवाले से हमें गिवन होती है। वी आपका फंक्शन है, सो ये हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो हेजिसाइड फंक्शन है वो जीरो और वन की शक्ल में होगा, उसका डिसीजन जीरो एंड वन में होगा। वो वेरी सिंपल है, अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू से हमारी वैल्यू कम है तो जीरो होगा, अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा एक्सीड हो गया तो जीरो, मतलब मीन्स डिसीजन उसका जीरो और वन में होगा। तीसरा हमारे पास जो फंक्शन है, अगर हमें सिग्मोइड फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए किया जाए, जो कि हम अभी बैक प्रोपोगेशन में करेंगे, तो उसका फार्मूला है वन ओवर वन प्लस ई की पावर माइनस वी। जो हम कोई भी नोड का फंक्शन कैलकुलेट करेंगे वी, वो वी होगा, कोई भी नोड का फंक्शन कैलकुलेट करेंगे वो वी होगा। तो ये हमारे पास तीन एक्टिवेशन फंक्शन है, जो कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है, बेसिक हमने वो देखा, और फिर हमने उसको देखा कि इसमें एक्टिवेशन फंक्शंस कौन से होते हैं। सर ये FV is equal to 1 over 1 plus some, क्या है? 1 plus E, 1 plus E ऊपर माइनस V, 1 over 1 plus E माइनस वी।
जी तो ये तीन फंक्शन है, लीनियर, सिग्मोइड, हेसाइड, तो ये तीनों फंक्शन आप खुद से भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको न्यूमेरिकली डिस्कस करेंगे और फिर प्रैक्टिकली इसकी सिमुलेशन देखेंगे तो आपको इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको इसका बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। लास्ट टाइम हमने ए एन एन को डिस्कस किया और सम ऑफ द स्टूडेंट्स यू आर ऑलरेडी नो अबाउट द ए एन एन बिकॉज दे ऑलरेडी स्टडी द इंटेलिजेंस सिस्टम डिजाइन इन द लास्ट सेमेस्टर, बट वी आर डिस्कस इन ब्रीफ और वी आर डिस्कस इन द बेसिक लेवल। सो हमने ए एन एन का बेसिक मॉडल देखा कि उसमें नोड्स आ रहे हैं, उसमें एक्टिवेशन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, और एक्टिवेशन फंक्शन कौन कौन से, आप लीनियर, सिग्मोइड और हेसाइड, ये तीनों टाइप्स के फंक्शन हम यूज करते हैं, ज्यादातर सिग्मोइड और लीनियर ही हम उसे कैलकुलेट करते हैं। आगे एक एग्जाम्पल है सिंपल सी जो आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप, सिंपल सी एग्जाम्पल है। लेट से हमारे पास दो नोड है, ये नोड वन नोड टू, और ये इनपुट लेयर है, इसको आई इनपुट लेयर कहते हैं, और ये दो नोड है जो कि आपके हिडन लेयर है। सर ये किसकी एग्जांपल है? ए एन एन की एग्जांपल से समझा रहा हूं अभी तक आपको। अभी तक हमने ए एन एन के बेसिक नोड्स को और एक्टिवेशन फंक्शन पढ़े हैं, उसकी टाइप्स पढ़ी है, और आगे एक और एग्जांपल मेरे माइंड में आई है तो उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। ए एन एन की एग्जांपल है बेसिक। ओके ओके सर, ये इनपुट लेयर है, आपको पता है ए एन एन में कुछ इनपुट लेयर होती है, कुछ हिडन लेयर होती है, और एक आउटपुट लेयर होती है, आउटपुट लेयर एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे ही है, पता है। इस नोड की वैल्यू सपोज करते हैं 2 है और इसकी वैल्यू 3 है। अब ये फीड फॉरवर्ड है, ये हिडन लेयर को इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये भी हिडन लेयर को इंफॉर्मेशन साथ कनेक्ट है, फीड दे रहा है और ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है इंफॉर्मेशन, और फिर आगे जाके इनकी इनपुट भी आ रही है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। अब इस नोड की वैल्यू 2 है, इस नोड की वैल्यू 3 है, और इसका वेट हमने असाइन कर दिया, लेट से इसका वेट 1 असाइन कर दिया, और इसका वेट इसका भी 1 असाइन कर दिया, और इसका -1 असाइन कर दिया, और इसका 1 असाइन कर दिया। अब इसकी वर्किंग देखनी है आपने, तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसको कितने नोड्स आ रहे हैं, एक 2 वाला भी आ रहा है, 3 वाला भी आ रहा है, ऐसे ही है जी सर। अब 2 में वेट कितना है, मतलब वजन कितना है उसका, 1, ऐसे ही है जी सर। और 3 में जो उसको 3 वाला नोड उसके साथ अटैच है इस पॉइंट के लिए, उसका वो भी 1 है, तो मींस ये 2 नोड, 2 नंबर नोड, इसका वेट 1 है और 3 नंबर नोड इसका वेट भी 1 है, तो इस पे इसको 2 को 1 टाइम किया तो 2, और फिर इसका वेट 3 है तो 2 प्लस 3 हमारे पास 5 आ गया। कैसे सर ये दोबारा बताएं? इस नोड की वैल्यू 5 आ गई, इसकी वैल्यू क्या है नोड 1 की इनपुट लेयर में, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ आ गया। और उसका वेट, अगर यहाँ पे वेट 2 टाइम होता तो वो मल्टीप्लाई हो जाता था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 जी, 4 और 3 हो जाता, 7, 4 और 3 7 हो जाता, अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी सर। ये सिंपल एग्जांपल है, आगे जाके थोड़ी डिफिकल्ट एग्जांपल आई है, इसलिए मैं सिंपल से शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको एम्बिग्विटी ना आए, ठीक है, दोबारा समझा दें प्लीज। ठीक है, ये देखे नोड 1 है, ये नोड 2 है हमारे सर, पास दोबारा बता दें जी, ये नोड 1 है और ये नोड 2 है हमारे पास, ऐसे ही है, नोड 1 की वैल्यू, ये नोड 1 है, ये X1 है और ये X2 है, क्लियर? यस सर। और X1 की वैल्यू 2 है और X2 की वैल्यू 3 है, और ये देखे, और X2 जो है ये देखे, इसका एरो जो है हिडन लेयर को जा रहा है, उसकी उसकी इनपुट की तरफ जा रहा है, यानी कि ये इनपुट दे रहा है हिडन लेयर को, एरो शो कर रहा है, तो
तो अब हमने कैलकुलेट करना है कि जो ये हिडन लेयर, ये एक्स एक्स वन हिडन लेयर है या कोई भी इसका नाम रख ले, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको इनपुट क्या मिल रही है। बेसिकली इनपुट लेयर जो है इसने इनपुट दे रही है हिडन लेयर को, तो हिडन लेयर ने इनपुट रिसीव भी तो करनी है, तो ये वैल्यू नोन नहीं होती, सिर्फ हमारे पास नोन है नोड की वैल्यू। अब नोड टू में उसका, उसकी नोड टू है और उसकी वैल्यू टू है और उसका जो वेट है वो वन है। अगर यहाँ पे वेट टू होता तो ये फार्मूले में आगे जाके एक्टिवेशन फंक्शन भी हम जब निकालेंगे तो उसमें उसको मल्टीप्लाई करना होता था, लेकिन लास्ट भी हमने जब देखा तो वाई कैलकुलेट करने के लिए उसके ने मल्टीप्लाई किया था एक्स वन को डब्ल्यू वन से। ऐसा नहीं था, ऐसा ही था ना? ऐसा ही था सर, ऐसे ठीक है। टू को वन से मल्टीप्लाई किया तो आंसर टू ही आया ना जी। तो अब थ्री का नोड देखे, थ्री का भी वन है, उसका वेट वन है, तो थ्री को वन से मल्टीप्लाई किया तो आपका वैल्यू क्या आई, थ्री आई ना जी सर। तो थ्री और ये फाइव, इस तरह इन हिडन लेयर में इनपुट वैल्यू जो है उसकी फाइव आ गई। क्लियर जी सर, ठीक है। और इसी तरह आप ये हिडन लेयर की भी वैल्यू जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टू की वैल्यू है, टू को वन से मल्टीप्लाई करिए किया तो ये क्या माइनस टू आ गया, ऐसे ही है जी सर। और थ्री को वन से मल्टीप्लाई किया तो थ्री आ गया, तो थ्री माइनस टू वन, अब इस नोड की वैल्यू माइनस वन है और इस नोड की वैल्यू टू है, ठीक है जी। और अगर इसको इससे मल्टी, अब हमारे पास आउटपुट लेयर आ गई, ये आउटपुट लेयर है। अब देखें फाइव की वैल्यू, फाइव नोड में से फाइव को टू से मल्टीप्लाई करें टेन आ जाएगा और वन को वन से मल्टीप्लाई करें माइनस, तो ये नाइन आ गया हमारे पास। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर की वैल्यूज जो है कि ट्रेनिंग कैसे होती है। आगे जाके हम उसकी ट्रेनिंग देखेंगे कि उसकी बैक प्रोपोगेशन में ट्रेनिंग कैसे कर रहा है, डाटा को ट्रेन कैसे कर रहा है, कौन कौन से फंक्शन निकाल रहा है। तो ये चीजें बेसिक आपको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दी है। इस एग्जाम्पल की अगर समझ लग गई तो फिर हम आगे फॉरवर्ड मूव कर सकेंगे। अगर किसी को नहीं समझ आई तो आप मुझे बार बार यहाँ पे रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे हमने डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स पे जाना है। जी जैन, जैन